Presenting the next device, the Redmi Note 10 Pro. Redmi ने अपने Redmi Note 10 सीरीज में तीन स्मार्टफोन लॉन्च किए, Redmi Note 10, Note 10 Pro एंड Note 10 Pro Max. एंड इसी वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि इन फोन का प्राइस क्या होगा, फीचर क्या होंगे एंड सेल कब से स्टार्ट होगी एंड क्या इन फोनों को लेना वर्थ इट है या नहीं है. तो आइए इस वीडियो में पूरा हम देखते हैं एंड जो भी आपके ओपिनियन है, व्यू है, आप कमेंट सेक्शन में अपने कमेंट ड्रॉप कर सकते हैं एंड हमें बता सकते हैं किन रीज़न की वजह से आप ये फ़ोन परचेज करना चाहते हैं या फ़ोन परचेज नहीं करना चाहते, उसके भी रीज़न आप दे सकते हैं. तो उसके लिए मैं आपको बेसिकली लेके चलता हूँ मेरे लैपटॉप स्क्रीन. तो गाइज हम अपने लैपटॉप स्क्रीन पे आ चुके हैं एंड हम अभी अमेजोन के वेब पेज पे आ चुके हैं यहाँ पे. ओके, तो यहाँ पे आने के बाद आपको बेसिकली अगर एप्लीकेशन है तो होम पेज पे ही वो ऑफर वो दिख जाएगा. ओके, लैपटॉप में भी आपको यहाँ पे वेबसाइट पे दिख रहा है रेडमी नोट 10, नोट 10 प्रो, नोट 10 एंड नोट 10 प्रो मैक्स. तो अलग अलग फीचर हैं तीनों फ़ोन में. बेसिक जो मॉडल है हम नोट 10 से स्टार्ट करते हैं. ओके, तो नोट 10 में आपको सुपर एमोलेड डिस्प्ले मिल रही है एंड जो सेल स्टार्ट होगी इसकी 16th मार्च को स्टार्ट होगी एंड प्राइस जो बेसिक प्राइस है 4GB 64GB वेरिएंट वाला वो आपको 1200 रुपये पे करना पड़ेगा. अगर 6GB रैम चाहिए, 128GB आपको स्टोरेज चाहिए तो आपको 14,000 के अराउंड पे करना होगा. डिज़ाइन है काफ़ी सही दिख रहा है. जो नोच है फ्रंट में या आप वो ड्रॉप डिज़ाइन बोल लो या कैमरा बोल लो, इन डिस्प्ले कैमरा, तो वो इन्होंने जितना मिनिमम हो सकता है उतना मिनिमम किया है. आई गेस ये S21 सीरीज़ कंपैरिजन में जितना उनका कैमरा है उसी साइज़ का ये कैमरा आपको मिल रहा है. इसके अलावा आपको इन बॉक्स 33 वोल्ट का चार्जर मिल रहा है जो कि काफ़ी अच्छी बात है. 12,000 के फ़ोन में आपको 33 वोल्ट का चार्जर मिल रहा है. ओके, क्वाइट इम्प्रेसिव. सुपर एमोलेड डिस्प्ले है तो डिस्प्ले के मामले में कोई भी आपको कंप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है. आपको इसके अलावा गोरिल्ला ग्लास की प्रोटेक्शन भी मिलेगी. वाइब्रेशन मोड है, 5000 mAh की बैटरी. तो जो चार्जिंग टाइम होगा इसका बिलो 2 आवर्स, लाइक 1 आवर 40 मिनट के अराउंड आपको चार्जिंग टाइम देखने को मिल सकता है. बाकी जो भी चार्जिंग टाइम होगा वो मैं आपको बता दूंगा बाद में. ओके, अगर आप चार्जिंग टाइम कंपेरिजन चाहते हैं तो आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं. कैमरे की बात कर लेते हैं. आपको फोर कैमरा क्वाड कैमरा सेटअप मिल रहा है जिसमें आपको माइक्रो डेप्थ सेंसर के अलावा अल्ट्रा वाइड कैमरा यहाँ पे मिल रहा है. ओके, तो हमने इस फ़ोन का ओवरव्यू देख लिया. पढ़ते हैं हमारे रेडमी नोट 10 प्रो की ओर. इसमें आपको 128GHz का डिस्प्ले मिलेगा एंड इसमें भी सुपर एमोलेड डिस्प्ले मिलेगा. सेल स्टार्ट होगी 17 से एक दिन बाद में. ओके, तो यहाँ पे आपको कैमरा जो डिज़ाइन है फ्रंट में सेम मिल रहा है, सिमिलर मिल रहा है, ज़्यादा कुछ चेंजेस नहीं है. बैक में इन्होंने काफ़ी चेंजेस किए हैं. कैमरा काफ़ी यूनिक लग रहा है जहाँ पे आपको टॉप में ऊपर एंड नीचे आपको बड़ा साइज़ मिल रहा है यहाँ पे, जैसे आप देख पा रहे हैं. एंड बीच में दो छोटे छोटे कैमरे हैं जो डेप्थ सेंसर एंड माइक्रो सेंसर हैं. इसमें आपको स्नैपड्रैगन 732 मिलेगा, 5020 mAh की बैटरी, सेम आपको 33 वोल्ट का चार्जर, टाइप सी एंड गोरिल्ला ग्लास 5 मिलेगा इंस्टेड ऑफ 3. ओके, तो रिफ्रेश रेट अच्छा है. मीन आपका जो गेमिंग एक्सपीरियंस होगा वो भी काफ़ी सही होगा इस फ़ोन में. एंड कैमरा की मैं इतना बात नहीं करूँगा. हाँ ठीक है, लाइक कैमरा अगर आपके लिए प्रायोरिटी है देन कैमरे के बारे में बताना चाहूँगा. कैमरा इसका ठीक ठाक है, इतना बुरा नहीं है. तो जो लॉन्च इवेंट मैं देख रहा था उसमें भी कैमरा परफॉर्मेंस अच्छी है. लेकिन आपको अगर टॉप ऑफ द मार्क लाइक बेस्ट कैमरा चाहिए इस प्राइस रेंज में तो वो आपको रेडमी नोट 10 प्रो मैक्स प्रोवाइड कराएगा. ओके, क्योंकि इस पर 108 MP कैमरा मिल रहा है तो पिक्चर क्वालिटी भी काफ़ी अमेजिंग होने वाली है इस प्राइस पॉइंट पे. 19,000 में आपको 6GB प्लस 64GB का वेरिएंट मिल रहा है. एंड आपको टॉप नोट चाहिए तो उसके लिए 8GB एंड 128GB वेरिएंट आप सेलेक्ट कर सकते हैं 22,000 रुपीज़ में. तो 732G प्रोसेसर है यहाँ पे, विच मीन गेमिंग इतना लैगी नहीं होगा, ठीक ठाक आपको परफॉर्मेंस मिल जाएगा. लेकिन हाँ, वो अल्ट्रा स्मूथ वाला ग्राफिक्स वगैरह आप नहीं यूज़ कर पाएंगे. बाकी जो नॉर्मल ग्राफिक्स है उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी. ओके,
गोरिल्ला ग्लास 5 अगेन डुअल स्टीरियो स्पीकर यहाँ पर मिल गया था, सेम बैटरी एंड सेम चार्जर आपको यहाँ पे मिल रहा है इन फोन में। ओके तो यहाँ पे आप कुछ देख सकते हैं रियल वीडियो, जिसमें आप फ्रंट एंड बैक में भी जो है वो वीडियो ले पाएंगे। एंड ये कुछ फोटोज़ वगैरह हैं यहाँ पे आप देख सकते हैं, इतना कुछ खास मेरे को फ़ोटो वगैरह लगे नहीं। आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं कि कैसे आपको ये फ़ोन लगे, कौन सा फ़ोन आप परचेज़ करना चाहेंगे। तो मेरी ओपिनियन जो है वो आप ये फ़ोन परचेज कर सकते हैं, इतना कुछ इश्यू नहीं है। फ़ोन प्राइस एज पर प्राइस आपको वन ऑफ द बेस्ट फीचर ऑफर कर रहे हैं, एंड जो डिज़ाइन वगैरह है वो भी काफ़ी सही है। तो आई गेस मोस्टली जो यूजर जाएंगे वो रेडमी नोट 10 प्रो की ओर जाएंगे। प्रो क्यों? क्योंकि आपको फीचर भी काफ़ी ठीक ठाक मिल रहे हैं, कैमरा भी आपको अच्छा मिल रहा है, एंड जो स्क्रीन प्रोटेक्शन है वो भी अच्छी मिल रही है। नोट 10 प्रो मैक्स थोड़ा एक्सपेंसिव है, एंड नोट 10 आई गेस लोग इतना पसंद नहीं करेंगे ड्यू टू लेस फीचर्स। बाकी सबकी अपनी अपनी ओपिनियन है, आप अपने कमेंट से मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि कौन सा फ़ोन आप परचेज करना चाहेंगे एंड क्या रीज़न है। तो ये था गाइस इस वीडियो के लिए मेरी ओर से, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करना मत भूलिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको जो भी वीडियो में अपलोड करूँ वो आपको मिल जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में गाइस, स्टे ट्यून्ड, सी यू सून।